एम्यूजमेंट पार्क हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम किसी भी सूरत पर नहीं भुला सकते। इस दुनिया में सैकड़ों ऐसी राइड्स मौजूद हैं जिन पर हर रोज हजारों लोग बैठते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन क्या आप एक्सपर्ट इंजीनियर्स की बनाई हुई ऐसी राइड्स के बारे में जानते हैं जो किसी भी इंसान को मौत का एहसास दिला सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही राइड्स के बारे में बात करेंगे जो इतनी खतरनाक है कि कमजोर लोगों को उन पर बैठने से टोटली मना किया गया है, और अगर फिर भी कोई इंसान उन राइड्स को एक्सपीरियंस करना चाहता है तो वो अपना जिम्मेदार खुद है। अब देखते हैं कि आप उन राइड्स पर बैठना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिगेस्ट क्लिफ स्विंग इन साउथ वेस्ट चाइना। लेकिन साउथ वेस्ट चाइना के इलाके चोंगकिंग में मौजूद 2295 फीट ऊंची एक चोटी पर बनाई गई ये स्विंग दुनिया की बाकी स्विंग्स के मुकाबले सबसे अलग है। इस स्विंग का अपना फ्रेम 355 फीट ऊंचा है जो कि रेनबो की तरह बनाया गया है। ये राइड 30 जून 2020 को पहली मर्तबा पब्लिक के लिए ओपन की गई थी। इस राइड में सबसे पहले तो तीन लोगों को एक स्पेशल सूट पहनाकर तीन मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी हार्नेस के साथ बांधा जाता है, और फिर इन्हें इस राइड की बैक साइड पर बने एक टावर की तरफ ऊपर हवा में खींचा जाता है, और फिर अचानक इन्हें छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये लोग 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये झूला झूलते हैं, यानी एक नॉर्मल कार की स्पीड के साथ। इस राइड के सामने ये गहरी खाई इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। दोस्तों, ये राइड इतनी खतरनाक है कि इसे लेने से पहले हर राइडर का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, और इसी के साथ राइडर से एक सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर भी करवाए जाते हैं जिस पर लिखा होता है कि ये राइड लेते हुए अगर आपको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तभी तो इस राइड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है। इस राइड को बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि दुनिया के बहादुर लोगों में से भी चंद ही ऐसे लोग होंगे जो इस राइड को ले पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताएं कि क्या आप ऐसी राइड पर बैठना चाहेंगे जिसमें अगर आपको कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। एज कोस्टर। दोस्तों, ये राइड फिलीपीन में मौजूद एक 38 मंजिला बिल्डिंग की टॉप पर बनाई गई है। ये टू सीटर एक कोस्टर है जो कि बिल्डिंग के किनारों पर बनाई गई रेल के ऊपर चलता है। इस राइड को एक वक्त में सिर्फ दो लोग ही ले सकते हैं। ये राइड बाकी रोलर कोस्टर्स की तरह तेज तो नहीं है, लेकिन जब ये राइड लोगों को 427 फीट की खतरनाक ऊंचाई से 65 डिग्री एंगल पर बाहर की तरफ बेंड करती है तो अच्छे खासे बहादुर लोगों की बहादुरी भी दम तोड़ देती है, और फिर उनकी चीखे निकलते देख कर बाकी के लोग भी खौफजदा हो जाते हैं। इस राइड में सेफ्टी के लिए आपको सिर्फ एक सीट बेल्ट ही पहनाया जाता है, इसीलिए जब ये राइड बाहर की तरफ बेंड होती है तो इस पर बैठे लोगों को यूं लगता है कि वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगे हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस राइड पर बैठना चाहेंगे, और अगर बैठना चाहेंगे तो दूसरे किस शख्स को अपने साथ बिठाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें उसका नाम भी जरूर बताएं। बन जे राइड। दोस्तों, बंजी जंपिंग के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जिसमें लोगों को एक मजबूत रस्सी के साथ बांधकर ऊंची ऊंची जगहों से नीचे फेंका जाता है। लेकिन फ्रांस के इलाके सेंट जीन डी सिक्स्ट में मौजूद ये राइड बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग और साइकिलिंग को मिलाकर बनाई गई है, यानी तीन मुख्तलिफ एडवेंचर्स का एक्सपीरियंस एक ही राइड में। इस राइड में राइडर्स को दोनों तरफ से सेफ्टी हार्नेस के साथ बांधकर एक साइकिल पर बिठाया जाता है, जिसके बाद राइडर साइकिलिंग करता हुआ 131 फीट गहरी खाई में गिरता है और फिर जिप लाइनिंग की तरह स्लाइड करता हुआ नीचे जमीन तक पहुंच जाता है। इस राइड में राइडर की सेफ्टी के सभी बंदोबस्त किए जाते हैं ताकि किसी को भी चोट ना लगे। ये राइड सच में बहुत ही कमाल है, क्योंकि इसे लेने वाले एक ही वक्त में तीन मुख्तलिफ एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फ्यूरी 325 रोलर कोस्टर। दोस्तों, मोस्ट थ्रिलिंग राइड्स के बारे में बात की जाए और रोलर कोस्टर का नाम ही ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्यूरी 325 नाम की ये राइड नॉर्थ कैरोलिना के कैरो विंड्स अम्यूजमेंट पार्क में मौजूद है। इस रोलर कोस्टर का ट्रैक 2 किलोमीटर तक लंबा है। इस पर बैठने वाले लोगों को सबसे पहले तो आहिस्ता आहिस्ता 325 फीट तक ऊंचा ले जाया जाता है, और फिर ये रोलर कोस्टर 81 डिग्री एंगल पर सीधा नीचे जमीन की तरफ ड्रॉप हो जाता है, जिसके बाद इस राइड की स्पीड 153 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है, जो किसी भी इंसान का कलेजा हलक में लाने के लिए काफी है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि आप एक ओपन राइड में बैठे हैं जो कि एक नॉर्मल कार की स्पीड से भी ज्यादा तेज चल रही है, और सेफ्टी के लिए आपको सिर्फ सीट बेल्ट लगाए गए हैं।
ये सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए इस रोलर कोस्टर को 2016 के सबसे बेस्ट स्टील रोलर कोस्टर के एजाज से भी नवाजा जा चुका है। ये राइड सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी इस वीडियो के बारे में सोच रहे होंगे। बोलालोका एंड बनोज। जमीन से 230 फीट की बुलंदी पर गोल गोल घूमता हुआ ये बॉल नुमा झूला इक्वाडोर में मौजूद एक पहाड़ी पर बनाया गया है, जिस पर बैठने के लिए लोग दुनिया के हर कोने से इकट्ठे होते हैं। इस झूले को एक वक्त में सिर्फ दो लोग ही ले सकते हैं। ये झूला दो मजबूत रस्सियों की मदद से गहरी खाई में झुलाया जाता है और इसी दौरान इसके अंदर बैठे लोग कभी आगे और कभी पीछे की तरफ गोल गोल घूमते हैं, जिससे इन लोगों को इतने चक्कर आने लग जाते हैं कि राइड खत्म होने के बाद ये लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। दोस्तों, इसीलिए इस झूले को शैतानी बॉल भी कहा जाता है। ये झूला देखकर ही मेरा सर चकराने लग गया था। आप सब इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या आप में से कोई इस तरह का झूला लेने का शौक रखता है? नेविस कैटापुल्ट। दोस्तों, अब तक जितनी भी राइड्स के बारे में हमने बात की, उनको लेने के लिए इंसान का दिल मजबूत होना लाजमी है। लेकिन अब जिस राइड के बारे में हम बात करेंगे, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए राइडर का फिजिकली स्ट्रांग होना भी लाजमी है। न्यूजीलैंड की नेविस वैली में मौजूद ये राइड सतह जमीन से 440 फीट ऊंची है, जिसमें राइडर को एक मजबूत और लचकीली रस्सी के साथ बांधकर उसे ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि वो अपनी पूरी बॉडी को मजबूती से अकड़ा ले, क्योंकि ये राइड एक गुलेल की तरह काम करती है और इसके झटके से इंसान की गर्दन वाली हड्डी टूट भी सकती है। दोस्तों, इस राइड में राइडर को जब छोड़ा जाता है तो एक सेकेंड के अंदर अंदर ही उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो कुछ देर तक नेविस वैली में ये राइड झूलता रहता है और मुख्तलिफ किस्म के नजारों से लुत्फ अंदोज भी होता है। ये राइड वाकई बहुत दिलकश है। इस राइड की कॉस्ट $275 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 45,000 रूपए पर हेड है। टावर ऑफ टेरर 2। दोस्तों, आज तक हमने जितने भी रोलर कोस्टर्स देखे हैं, वो सब आगे की तरफ मूव करते हैं, लेकिन अब जिस रोलर कोस्टर के बारे में हम बात करेंगे, वो इन सब से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ऑस्ट्रेलिया की ड्रीम वर्ल्ड थीम पार्क में मौजूद टावर ऑफ टेरर 2 नाम का ये रोलर कोस्टर एक टनल से स्टार्ट होता है और पीछे की तरफ मूव करता हुआ 400 फीट तक ऊँचा जाता है। इसके बाद ये रोलर कोस्टर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता हुआ वापस उसी टनल में चला जाता है। दोस्तों, इस राइड की तेज तरीन स्पीड और इसकी उल्टी डायरेक्शन इसे दुनिया के खतरनाक और तेज तरीन राइड्स में शामिल करती है। ये राइड अपने ऊपर बैठने वालों के कलेजे हलक में ले आती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की ऐसी खतरनाक राइड्स जिन पर कमजोर लोगों का बैठना मना है। इनमें से आपको कौन सी राइड सबसे ज्यादा खतरनाक लगी और आप किस राइड पर बैठना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में हमारे साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।